दीदी दीदी पता है आज कुछ डाकू बैंक लूट रहे थे और मालूम है वो बैंक लूट कर भाग रहे थे। पता है दीदी तभी एक आदमी आया और आके सभी को पकड़ लिया। पता है दीदी वो आदमी एक सुपर हीरो था। सुपर हीरो? हाँ दीदी उसने डाकुओं की खूब धुलाई की, खूब मारा। दीदी उस पर गोलियों का कुछ असर ही नहीं होता, वो मेरी कॉमिक्स का सुपर हीरो है। मगर दीदी है ना अच्छी न्यूज़, इसे अपने पेपर में छपवा लो ना। अप्पू मुझे तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है। अरे तुम्हारी दीदी तो एक छोटे से पेपर की छोटी रिपोर्टर बनी है, लेकिन तू तो एक बहुत बड़ा कॉमिक्स का राइटर बनेगा। फेकू मास्टर। नहीं दीदी मैं इस बार नहीं फेकूंगी। शट अप। कॉमिक्स पढ़ कर तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया, अब मेरा दिमाग खराब करने आया? नहीं दीदी मैं इस बार सच बोल रहा हूँ। मैंने कहा ना चुप, अब जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मतलब स्कूल की किताब कॉमिक्स नहीं। मम्मी पापा चार दिन के लिए बाहर क्या गए, तुमने घर को कॉमिक्स का गोदाम बना दिया। दीदी मुझे विश्वास तो करो मेरी बात पर दीदी प्लीज। नो कॉमिक्स। कटे दानों है कमरे में महाशय, हम यात्री हैं, इस नगर से सर्वथा अपरिचित हैं और आश्रय चाहते हैं, इसलिए हम पाया थारे आश्रय चाहिए तो रेलवे प्लेटफार्म पर जा, ये धर्मशाला है धर्मशाला। हम भी बहुत धार्मिक हैं महाशय। महाशय नहीं मैनेजर साहब, बोलो मैनेजर साहब। मैनेजर कहो या खच्चर कहो, हमारे लिए तो दोनों ही महाशय है। जी हाँ महाशय, बहुत सरल हृदय है हमारा। हाँ महाशय, तो हम कह रहे थे कि हम बहुत धार्मिक हैं। अरे अधर्मशाला तो हमने कभी देखी ही नहीं, जो यूं कहो कि अधर्मशाला की तरफ तो हम कभी गए ही नहीं। और महाशय यह संपूर्ण जगत भी तो एक धर्मशाला ही है, और जगतशाला की को कहो ये पूरा शरीर भी तो एक धर्मशाला है। याद है श्री कृष्ण भगवान का गीता में कथन, मनुष्य का शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर है। जिस प्रकार हम वस्त्र के पुराने होने पर वस्त्र को बदल देते हैं, उसी प्रकार आत्मा मृत्यु उपरांत एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है, और ये क्रम जन्म जन्मांतर तक निरंतर चलता ही रहता है। तो तुम भी चलते बनो, रुक क्यों गए? मेरा मतलब है आगे कुछ बताओ, नाम की है थारा? अजी नाम हमारा पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री, ग्राम गुटिंडा पोस्ट त्रिखोली जिला। बस अब अपने घर को नक्शों भी दिखाओगे? हाँ वो कहो तो वो भी दिखा देते हैं महाशय। देखिए ये प्राचीन जम्बो द्वीप के उत्तराखंड भाग के मध्य में भागीरथी के तट पर। बस अब ये बताओ भाया काम की करो हो? हम जो कार्य करते हैं उसका हमें वेतन नहीं मिलता, इस हेतु वेतन वाला कार्य ढूंढने का कार्य करते हैं। मतबल के नौकरी ढूंढने आए हो, पैसा है तेरे पास? अब पैसा अर्थात धन मतलब कि पैसा, उसका किंचित अभाव है हमारे पास। ये धर्मशाला है, यहाँ रहने के लिए पैसा देना पड़ता है भाया। धर्मशाला में पैसा? हाँ एक दिन का 20 रुपया। 20 रुपया? अब 30 रुपया और निकाल दे भाया। 20 रुपया
जी हमारे पास नहीं है, 25 रुपया और क्यों? ये 20 रुपया थारे कमरे को भाड़ो और 30 रुपया मेरो। हमको तुम में कोई रुचि नहीं है, हम दोबारा क्या करेंगे, हमें तो सिर्फ कमरा चाहिए कमरा। अरे भाया, कमरा तो तुम्हें तब मिलेगा जब हम तुम्हें देंगे, और हम तुम्हें तब देंगे जब तुम हमें पीछा दोगे। चलो निकलो, पीछा निकालो। आप तो बहुत बड़े भ्रष्ट प्रतीत होते हैं, आप जानते हैं कि ये एक अनैतिक कार्य है, भ्रष्टाचार है। अरे कोई भ्रष्टाचार होने दो भाया, मारो तो खाने से मतबल है। आशा तुम्हारा नैतिक पतन हो रहा है, मृत्यु उपरांत अवश्य तुम्हें नर्क मिलेगा, नर्क अर्थात तुम्हारे पाप का कुंभ यानी घड़ा फूटने ही वाला है। हमें यहाँ बहुत बड़ी अनहोनी का आभास हो रहा है, इसीलिए हम चलते हैं। जाओ, चले जाओ। अरे बहुत आते हैं तुम जैसे अनहोनी वाले, खीसे में पीसा है नहीं और आगे धर्मशाला में रहने, अधर्मी कहीं के। आओ। पापों का फल है महाशय, बरसों से तुम यात्रियों से अधिक धन लेकर उन्हें लूटते चले आ रहे हो। ये उन सारे यात्रियों की आह मिलकर तुम्हारे प्राणों की शत्रु बन गई है। अरे भाया, मुझे बचा ले, ऐसा तो मैं मर जाऊंगा भाया। लाभ क्या इसका, तुम पुनः यात्रियों को लूटना शुरू कर दोगे? नहीं भाया, मैं अब किसी को नहीं लूटूंगा। अरे लक्ष्मी मैया की कसम, मैं किसी से ज्यादा पैसा भी नहीं लूंगा। पक्का? थारी हमें लू मारा कान पकड़ू भाया। वाह भाया वाह, तू मान है। तो हम फिर चलते हैं। अरे अरे भाया, तुम कहाँ चल दिए, तुम अब यही रहोगे? अले अले थारा कमरा नी चाबी। तो ठीक है, फिर हम यहीं डाल देते हैं अपना पड़ाव। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। आज किसका अपॉइंटमेंट है? आज बस मेरी जेजे कंस्ट्रक्शन की बोर्ड मीटिंग है और जेजे चांद से जूबी रस्तोगी का फोन आया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, विलास राव आपसे मिलना चाहता है। नहीं नहीं माथुर, विलास राव जैसे घटिया इंसान के साथ मिलकर मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सर मिलने में क्या हर्ज है, फिर कई दिनों से बेचारा आपसे मिलने के लिए आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो कहना क्या चाहता है? तुम उसे नीचे बैठो, मैं आता हूं। ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ हाय। ओके यस। देखो जुबी, अपने टीवी चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए मैं घटिया प्रोग्राम आगे सीख दूंगा, बिल्कुल नहीं। हाँ जुबी, इट्स अ पॉलिसी डिसीजन। ओके कहिए मिस्टर विलास राव। साहब आपका माल है, अपन उसको आपको लौटाने के वास्ते आया। कैसा माल? अभी बता। ए छोकरा लोग बोलो सर। ये साहब एक सोने का मूर्ति है, बहुत पुराना है, बहुत कीमती है। कौन सा सामान? ये मेरा कैसे हो सकता है साहब? जमीन के भीतर का जो सामान होता है, सोना चांदी, मेरा मतलब खजाना, उसको राजा का ही तो होता है। विलास राव, मैं राजा नहीं, इस शहर का मेयर।
एक ही बात है सरकार, मेयर होने के नाते आप ही शहर के राजा है, वो नॉर्थ की पहाड़ी के पीछे से मिली है, आपको देने के लिए आ गया। क्या? तो तुमने उस जमीन से अभी तक अपना कब्जा नहीं हटाया? कब्जा कैसा साहब, अपन वहां पे काम करवाता है, कुछ गरीब लोग काम करता है, उनका पेट भरता है, अब बोलेगा जाएगा। तुमको कई बार नोटिस मिल चुका है कब्जा हटाने का, लगता है कानूनी कार्रवाई के बगैर तुम नहीं मानोगे। सरकार, कानूनी कार्रवाई क्या होती है? जो राजा कहे वो कानून है, आप हमारे राजा हैं, जो आप कहेंगे वही हमारा कानून है। राजा कानून नहीं बनाता विलास राव, बल्कि कानून जनता के नुमाइंदे मिलकर बनाते हैं और वो उसे लोगों से मनवाता है। मैं मेयर सिर्फ इसलिए बना कि शहर में कानून की व्यवस्था बरकरार रहे, क्योंकि एक कानून के टूटने की वजह से 100 बुराइयां पैदा होती हैं समाज में। मैं तुम्हें सिर्फ कल तक का वक्त देता हूं, वो जमीन सरकारी है उसे खाली कर दो और ये मूर्ति इसे म्यूजियम में जमा करवा दो। चला गया, मेरा काम बनने के बजाय उल्टा धमकी देकर चला गया। चिंता मत करो विलास राव, सब ठीक हो जाएगा। इस मूर्ति को यहीं बंगले में रहने दो और सुनो, कल के बाद ये पूरा शहर, ईमानदार मेयर जेजे और उसका कानून सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। सच? हाँ, क्योंकि लगभग बन चुका है सत्ता का सामान। सत्ता का सामान? क्या हो गया है इस देश को, जहां देखो वहां अपहरण, चोरी, भ्रष्टाचार, दैनिक धमाका को प्रेस फोटोग्राफर की आवश्यकता, अर्थात छायाचित्रकार, प्रसिद्ध छायाचित्रकार गंगा डॉक्टर। अच्छा है, आ रहे हैं हम दैनिक धमाका, आ रहे हैं हम साक्षात्कार के लिए, इंटरव्यू के लिए। जरमर जरमर में बलोने वो पोनी कटे जाया, जय लक्ष्मी माता। अरे थारी माया तो अपार है। अरे हम है वही गंगाधर, मायाधर, विद्याधर। गंगाधर, अरे वाह 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 माया, अरे सब बंधन के कट्ठे दानो है। अरे हम इस समाचार पत्रिका के कार्यालय में जा रहे हैं साक्षात्कार हेतु। क्या 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 हेतु जा रहे हैं आप? साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। शायद हमें वहाँ कार्य मिल जाए, छाया चित्रण का, प्रसिद्ध छाया चित्रकार हैं हम। कौन सा लोहे का आदमी था ये? हेलो, मैं एडिटर हरिश्चंद्र सत्यवादी बोल रहा हूँ। देखिए आप चारों कान खोल कर सुन लीजिए, आप जो कह रहे हैं ना, आप इनसे सीधे बात कर लीजिए। और भाई साहब मेरी बात सुनिए, ये खबर मैंने नहीं छापी है, मेरी रिपोर्टर गीता विश्वास से छपाई है। यस सर, एनी प्रॉब्लम? No problem at all. बस हमारा अखबार बंद हो जाएगा, छापेखाने को आग लगा देंगे, दफ्तर को तोड़ फोड़ देंगे, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। जानती हो किसकी वजह से? सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से सर? क्या कह रहे हैं? हाँ, तुम्हारी वजह से। क्यों? पूछती है क्यों? ये क्या छापा है तुमने? How dare you? किसे पूछ के छापा है तुमने? एडिटर तुम हो या मैं? आप भूल गए सर, एडिटर आप ही है। और आप ही ने तो कहा था कि कोई भी अर्जेंट धमाकेदार न्यूज मुझे दिखाए बिना प्रेस में दे सकती हो। गीता,
संगीता, तुम जानती हो आज तक ये प्रेस किसके नाम पर चल रही है? जानती हूँ सर, सेठ श्री विलास राव साहब की मेहरबानियों पर चल रही है। और तुमने उन्हीं के खिलाफ चेक्स करने छाप दिया? तुमने किस जन्म का बदला लिया है मुझसे गीता? तुमने अपनी दी हुई छूट का नाजायज फायदा उठाया है। तुम्हारा नाम गीता विश्वास नहीं, गीता विश्वास छात होना चाहिए था। अरे जब कोई दूसरा अखबार इस खबर को नहीं छाप रहा है तो तुम्हें क्या जरूरत पड़ी अकेले ये छापने की? किसी ने नहीं छापा, इसीलिए तो खबर छापना और भी जरूरी हो गया सर, क्योंकि लोगों तक सच पहुंचाना हमारा पेशा ही नहीं, हमारा फर्ज है सर। और जिसके साथ सच है वो अकेला कैसे हो सकता है? उसकी मदद खुद सत्य करता है। फिर उसका राम नाम सत्य भी हो जाता है गीता जी। और जब विलास राव जैसे यमदूत सर पे आ जाते हैं तो कोई सत्यवत बचाने नहीं आता है, समझी? तो ठीक है सर, अगर आपको सच छापने की हिम्मत नहीं है तो बंद कर दीजिए अखबार का दफ्तर, या आप ही को मुबारक। और ये नहीं, इस्तीफा मत निकालना, आज ये इस्तीफा नहीं चलेगा, तुम ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। अरे तुम होती कौन हो नौकरी छोड़ने वाली? मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ, यू आर डिसमिस। और अगर कल तक ये दफ्तर सलामत रहा तो आगे अपना हिसाब कर जाना, ओके? एंड नाउ प्लीज गेट आउट। ठीक है, मैं चलता हूँ। क्या चाहिए, बिना पूछे क्यों घुसाए मेरे ऑफिस में? विलास राव जी, अरे विलास राव जी आप आइए आइए, बैठिए बैठिए। अरे साला तू मेरे को पहचान लिया? अरे मैं तो समझा था कोई बड़ा पार्टी मिल गया होगा, साला भूल गया हो मेरे को है? ऐसा कैसे हो सकता है साहब, आप ही की बदौलत तो ये प्रेस चलती है। हाँ बहुत अच्छी चलती है साला, मैं तेरे को इस छापा खाना के वास्ते चंदा दिलाता और तू साला मेरे ही खिलाफ छापता है। नहीं जी वो, और तेरे को मालूम मेरा कुत्ता जब साला पागल हो जाता है ना तो उसको मैं क्या करता मालूम? मैंने क्या किया विलास राव जी? तेरे को मालूम वो महिला समिति का औरत लोग है ना, वो होम मिनिस्टर के पास विधानसभा में मोर्चा लेके जाता और एक बार मोर्चा वहां पहुंचा तो मालूम क्या होगा? पहले ये अखबार चलेगा, फिर ये ऑफिस चलेगा, फिर ये केबिन चलेगा और फिर तू। विलास राव जी आप तो जानते हैं सर कि मैं ऐसी वैसी खबर कभी नहीं छापता, सच्ची खबर तो मैंने आज तक छापी नहीं सर। इस बार माफ कर दीजिए, मैं आज ही स्पेशल इशू के अंदर माफीनामा छपाकर फ्री में बंटवा दूंगा, दरअसल इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है सर। एब्सोल्युटली करेक्ट, हो भी तो आपको क्या, जो कुछ हुआ उसमें आपकी माँ बहन बीवी बेटी थी नहीं, ना इन सब की थी, वरना ये सब इसके साथ घूमने के बजाय इसका मुंह काला करके गधे पे बिठाकर शहर में घुमा रहे होते। अपन कौन? यही तो है वो गीता विश्वास। अच्छा अच्छा यही है जिसने अपन के बारे में ये सब बकवास छापा है? बकवास नहीं, हकीकत, हकीकत छापी थी। मेरे पास वो तमाम सबूत है। सबूत? कैसा सबूत, कौन सा सबूत? घबराइए मत विलास राव जी, वो सबूत मैं अखबार में नहीं छापूंगी, वो वीडियो कैसेट जिस पर आपके सारे काले कारनामे हैं होम मिनिस्टर के सामने पेश करूंगी, उन औरतों की मौजूदगी में जो होम मिनिस्टर से इंसाफ मांगने जा रही है आज और अभी। मेरे मुंह के देखो पकड़ो से। गई गीता विश्वास, अब कौन सा सत्य मदद करने आएगा? हमारा नाम पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री है, संपादक महोदय ने हमें आमंत्रित किया था। वह भी बिजी है। कमाल है। देखिए देवी जी, हमें संपादक महोदय से क्या है? संपादक, हमने उनका नाम नहीं पूछा, हमें उनसे भेंट करनी है, कहाँ मिलेंगे वो? चिड़ियाघर में थोक के भाव मिलेंगे, वहाँ चले जाओ। गधे गधे हटो सामने से। ओहो तो आप हैं श्रीमान उल्लू के पट्टे। इडियट इडियट, ओहो तो ये आपका उपनाम है। हट सामने से स्टूपिड। बाजी क्यों हटे सामने से, पहले स्वयं आमंत्रित करते हो और फिर अपमानित करते हो, देवी जी ने ठीक कहा था आप गधे हैं। अबे हट। ए असभ्यता नहीं, अबे हट। ये आप दंडवत क्यों कर रहे हैं? अरे बता रे नीचे क्यों कर रहे हैं, पकड़ उसको। बिंदा को फोन कर, लड़की बचने नहीं आई, जा। अरे चल रहे तू उधर,
तो बैग महोदय, कृपया ध्यान दें, आपकी उड़ान का समय हो। क्यों बे, तेरे को पक्का मालूम है वो दूसरे रास्ते से नहीं जाएगी, इधर से ही आएगी। 100% बॉस, इधर से जाएगी। उसे बीच सड़क में रोकना पड़ेगा ना बॉस, कहो तो झाड़ बाड़ तोड़ के डाल दूं। बड़े शानी छोकरी है भाई, दूर से देख के भाग जाएगी। वांदा नहीं, अपन चल के आराम से बैठेगा, कुआं खुद चल के प्यासे के पास आएगा। समझे?